अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर का 9th का गेस्ट पेपर। किस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास, अगर हम ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करें तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ सकता है व्हाट इज़ कंप्यूटर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, फिर डिफरेंस बिटवीन डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। और यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है डिफरेंस बिटवीन एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल्स। फिर राइट डाउन द पार्ट्स ऑफ स्लाइड रूल, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। फिर पूछे जा सकते हैं डिफरेंस बिटवीन कैड एंड कैम, कैड क्या होता है, कैम क्या होता है, इसमें डिफरेंस पूछे जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं व्हाई द कीज ऑन कीबोर्ड आर नॉट अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। हमारे कीबोर्ड के ऊपर हमारी जो कीज़ होती हैं वो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्यों नहीं अरेंज होती, ये पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ बायोस ऑपरेशन, बायोस ऑपरेशन बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ऑपरेशन जो है वो डिस्कस करेंगे। डिफरेंस बिटवीन ओपन सोर्स शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर, ये हमारे पास ओपन सोर्स क्या होता है, शेयरवेयर क्या होता है, फ्रीवेयर क्या होता है, इनमें डिफरेंस। फिर एक क्वेश्चन, एडवांटेजेस ऑफ GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के एडवांटेजेस क्या हैं, लिमिटेशन भी पूछी जा सकती हैं, ये पूछा जाएगा आपसे। वॉइस सिंक्रोनस इज़ फास्टर देन द एसिंक्रोनस, हमारी जो सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है वो फास्टर क्यों है एसिंक्रोनस से। व्हाई डू सैटेलाइट स्टे इन ऑर्बिट एंड नेवर फॉल ऑन द अर्थ, हमारी जो सैटेलाइट है वो ऑर्बिट के अंदर ही रहती है, ज़मीन पर क्यों नहीं गिरती, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर क्या होता है और डी मॉड्यूलेटर क्या होता है, ये पूछे जा सकते हैं। फिर वाई स्विच इज़ नॉट सिक्योर, स्विच जो है ट्रांसमिशन टोपोलॉजी है ये सिक्योर क्यों नहीं होती। फिर है विच नेटवर्क टोपोलॉजी इज़ बेस्ट, हमारे पास सब नेटवर्क टोपोलॉजीज में से बेस्ट कौन सी है। फिर है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, आपने इसको पॉइंट्स के अंदर एक्सप्लेन करना है। फिर है सिम्टम्स ऑफ मेलवेयर अटैक्स, हमारे कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर मेलवेयर्स का अटैक हुआ है, उसकी अलामत क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, वो लिखनी है। फिर डिफरेंस ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन में डिफरेंस करना है। फिर व्हाट इज़ मल्टी मॉडल ऑथेंटिकेशन, मल्टी मॉडल ऑथेंटिकेशन क्या होती है वो आपने बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं दो या दो से ज़्यादा ऑथेंटिकेशन प्रोसेस आप किसी डिवाइस के ऊपर लगाते हो तो हमारे पास मल्टी मॉडल ऑथेंटिकेशन कहलाता है, ये आपने लिखना है। फिर है विच ऑथेंटिकेशन मेथडोलॉजी इज़ बेस्ट, सब यूज़र नेम पासवर्ड पिन एक्सेस कार्ड और बायोमेट्रिक्स में से बेस्ट कौन सी है, ये आपने बताना है। फिर ड्राबैक्स ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट्स के ड्राबैक्स लिखने हैं, क्या क्या ड्राबैक्स होते हैं। यहाँ तक तो हमारा स्टूडेंट्स ये शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन था, अब हम लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला है कैरियर ऑफ IT, फर्स्ट चैप्टर के अंदर से फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लासिफिकेशन अलग हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलग हैं, ये आपने डिस्कस करनी है। फिर गुड कम्युनिकेशन की करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, तीन करेक्टरिस्टिक्स है एक्यूरेसी, टाइमलाइंस और डिलीवरी। फिर नेटवर्क टोपोलॉजीज क्या होती हैं, ये सारी टाइप्स ऑफ नेटवर्क देखना है। फिर ऑथेंटिकेशन मेथडोलॉजीज क्या होती हैं, वो भी चार जो मैंने बताई हैं, यूज़र नेम पासवर्ड एक्सेस कार्ड बायोमेट्रिक्स एंड देन हमारे पास फोर्थ वाली पिन जो होती है। फिर लास्ट में आपने क्वेश्चंस है एरियाज़ ऑफ कंप्यूटर एथिक्स, आपने कंप्यूटर एथिक्स के एरियाज़ जो है उनको डिस्कस करना है। और एक और स्टूडेंट यहाँ पर एथिकल यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, एथिकल यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स वो आपने तैयार करना है, ये तैयार करके आप 100% मार्क्स ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आ गई होगी, अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।